तेरी सेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। दुखियन पे कृपा करे करे तेरी सेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। जय महादेव, जय गणेश, जय महादेव, जय गणेश।
व्यास जी महाराज अपने आसन के ऊपर आसीन हो चुके हैं। सभी से निवेदन की कृपया जल्दी से जल्दी कथा पंडाल में पहुंचने की कृपा करें। जय श्री राम, राधा, जय श्री राम। Thank you.
बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए रघुवर लाल की जय, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, बोलिए सीता मैया की जय, बोलिए श्री राम चरितमानस भगवान की जय। उत्तम परमात्मा भगवान श्री राघव जी को प्रणाम, भगवान शंकर जी को, हनुमान जी को साष्टांग प्रणाम, और बाबा तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। परम मंगलमय वेला का शुभारंभ श्री राम चरितमानस भगवान की परम पावन, परम पवित्र, परम पुण्य को प्रदान करने वाली यह महापावन कथा रूपी अमृत जो यहाँ पर वर्ष रहा है, मेरे साथ मंच पर विराजमान वेदाचार्य श्रीमान विपुल बिहारी त्रिपाठी जी, शास्त्री श्रीमान रिंकू शर्मा जी को साधुवाद, प्रेम भरा जय श्री राम, और मेरे सहयोगी संगीतकार श्रीमान महेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर अमन शर्मा जी, सर्वजीत सिंह जी और अश्विनी शर्मा जी को प्रेम भरा साधुवाद, प्रेम भरा जय श्री राम। समस्त जय मां वैष्णो देवी सेवा समिति को साधुवाद। यहां पर विराजमान सभी राम भक्त, मातृशक्ति को मेरी तरफ से प्रेम भरा साधुवाद, जय श्री राम, जय श्री राम। तो कल हम और आप केवट जी को भगवान के चरणों में दंडवत करते हुए, झांकी का स्मरण करते हुए कथा को हमने विश्राम दिया कि किस प्रकार से केवट जी ने प्रभु श्री राम के चरणों का वंदन किया, प्रभु श्री राम से किस प्रकार आशीर्वाद ग्रहण किया। आज उसके आगे की कथा का राघव सरकार की कृपा से हम और आप कथा को गाएंगे और श्रवण करेंगे। केवट जी ने प्रभु श्री राम, मैया जानकी जी, लक्ष्मण जी, निषाद राज जी को पद पखारने के बाद गंगा के पार उतारा, अपनी नाव में बिठा करके वो उनको पार ले गए। तो मेरे ठाकुर थोड़ा संकोच में पड़ गए, मेरे प्रभु श्री राम थोड़ा संकोच में पड़ गए, और थोड़ा संकोच ठाकुर जी को होता है कि अब मैं इसको उतराई क्या करूं, कि इन्होंने मुझे नाव में बिठा करके गंगा पार लगा दिया है, अब मैं इनको उतराई क्या दूं। देखिए, केवट जी ने पार उतारने से पहले कितनी बात कही, उनको कोई संकोच नहीं हुआ, कितनी बातें कही प्रभु श्री राम को, लेकिन उनको संकोच नहीं हुआ। लेकिन जब नाव से उतर गए तो मेरे ठाकुर जी को संकोच हुआ कि मैं तो अयोध्या नगरी से केवल इन वस्त्रों में आया हूँ, वनवासियों के भेष में, मेरे पास केवट जी को उतराई देने के लिए कुछ बाकी नहीं है। और किसी का संकोच बढ़ाना नहीं चाहिए, संकोच में रहना भी नहीं चाहिए। इसमें भी इससे भी बढ़िया बात है कि किसी को संकोच में नहीं डालना चाहिए। तो केवट जी ने संकोच में नहीं डाला,
फिर हम जब भगवान की सेवा करेंगे और भगवान से किसी वस्तु की अभिलाषा करते नहीं करते तो भगवान को भी संकोच होता है। जब हम निष्भाव निष्ठा से निस्वार्थ प्रभु की सेवा करते हैं तो प्रभु को भी संकोच होता है कि हम अपने भक्तों को क्या दें। हमारे श्री वृंदावन धाम की एक कथा है कि पंडित गया प्रसाद जी महाराज भगवान की निस्वार्थ सेवा करते थे, कुछ नहीं चाहते थे वो। और एक दिन बताते हैं कि भगवान ने आकर के उनको दर्शन दिए। क्यों? कि यमुना किनारे जाते समय भगवान से जब उन्होंने पूछा तो भगवान ने कहा कि ब्राह्मण देवता, आपने मेरी इतनी सेवा की और आप उसके बदले हमसे कुछ नहीं ले रहे तो मेरे मन में बड़ा संकोच है और संकोच के हम आपके सामने प्रकट नहीं हो पाए। सेवा करें और भगवान से कुछ ना चाहें तो भगवान करुणा करते हैं। भगवान अगाध सिंधु हैं, करुणा के सागर हैं, करुणा निधान हैं, सच्चिदानंद रूपाय सत्सचित आनंद की मूर्त है। आनंद सिंधु दया के सिंधु हैं, कृपा के सिंधु हैं, ज्ञान के सिंधु हैं। भगवान सब सिंधु हैं। सिंधु मने होता है समुद्र सागर। तो प्रभु श्री राम कृपा सिंधु हैं, हर सिंधु जो भी सागर है, ज्ञान सागर, दुग्ध सागर, लग्न सागर, कृपा निधान, दया निधान। सिंधु मने मैंने बताया कि समुद्र होता है और समुद्र नारायण का एक स्वभाव है कि समुद्र नारायण अपने पास कुछ रखते नहीं है। ये समुद्र का एक स्वभाव है। व्यक्ति बोलते हैं कि समुद्र में डूब जाते हैं, लेकिन समुद्र भगवान ऐसे हैं कि अपने पास कुछ लेते नहीं, वापिस लौटा देते हैं। समुद्र में कुछ भी फेंक तो उठा करके बाहर ही फेंक गए, कुछ भी फेंक दो, कितनी भी गंदगी समुद्र में फेंक दो वो उठा करके हमारे ऊपर वापस ही फेंकेगा। अपने पास कुछ नहीं रखता, डुबाता नहीं है, पार लगाता है। भगवान को जो हम समर्पित करते हैं भगवान हमको वापस कर देते हैं, कभी रखते नहीं है। और प्रातः स्मरणीय पूज्य पाठ बिंदु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सेवा भगवान की चलती रहे, कुछ नहीं चाहिए। भगवान अकारण करुणा करके शरीर दिए हैं हमें, बिना कारण के हमें शरीर प्रदान कर दिया। हमने शरीर मांगा थोड़ा है प्रभु से, उन्होंने अपने आप इस शरीर को हमें प्रदान कर दिया है। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। सीधा दे मीठी मेरी गाने की सेवा करो श्री राम का बंधन। Thank you.
सत्संग पथ से गुजरते रहूंगी, जो सत्संग पथ से गुजरते रहूंगी, कृपानाथ बेशक मिलते रहेंगे, कृपानाथ बेशक मिलते रहेंगे, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। श्री राधे करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर
सर पे रहोगे तो संसार सागर से भरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। ये संसार रूपी जो सागर है इसमें जगह जगह पर डूबने का भय है। अगर प्रभु श्री राम का वंदन करते रहेंगे, प्रभु श्री राम का चिंतन करते रहेंगे तो संसार सागर से पार पा जाओगे। बोली जय श्री राम। सेवा भगवान की चलती रहे, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं कहना भगवान से। और भगवान अकारण करुणा करके हमको शरीर जब भगवान ने दे दिया है तो बाकी भी भगवान ही देने वाले हैं। कब करी करुणा नर देही देत इस बिनु हेतु स्नेही। कब करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेत सने। भगवान ने मनुष्य को बना करके उससे कोई स्वार्थ नहीं चाहा। भगवान कोई स्वार्थ नहीं चाहता है। और देखिए हम भगवान के एक भी काम नहीं आते हैं। कोई व्यक्ति भगवान के किसी काम आता है, किसी काम नहीं आता है। तो भगवान ने निस्वार्थ भाव से हमको बनाया है। भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है हमको बनाने के लिए। और हम भगवान के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। भगवान के लिए हम क्या कर सकते हैं? जिसने हमको बनाया तो हम बनाने वाले के लिए क्या कर सकते हैं? कोई कुछ नहीं कर सकता। कि आदमी भगवान के किसी काम नहीं आता। और हम जो भी करते हैं उसमें केवल अपने अहंकार और स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही सब कुछ करते हैं। ये व्यक्ति का स्वभाव है।
छोटी सी पूजा कर दी, 56 प्रकार के भोग लगा दिए, भगवान को चांदी की गिलास में पिला दिया, चांदी की कटोरी में भोग लगा दिया, तो पूरे गांव में बताते हैं कि हमने तो पूजा रखी है जी, हमने तो 56 प्रकार के भोग बनाए, हमने तो 1001 रुपया दान में दिया, सब बता देते हैं, व्याख्यान करते हैं। इस पर अमल किया जाना चाहिए कि हम भगवान के किस काम आते हैं, किसी काम नहीं आते, बोलते तो हम बहुत कुछ हैं। तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तन मन और धन सब कुछ तेरा है, परंतु जब भगवान पे चढ़ाने की बारी आती है तो जेब में से निकाल के भगवान के सामने पैसे निकालते हैं कि 500 में जिस शौक निकालते हैं, दिखाते हैं भगवान को कि हमारे पास पैसे हैं। अरे भाई तुमको चढ़ाने ही है तो 5 चढ़ाने, तो पहले से ही 5 जेब में डाल करके आओ, भगवान को पैसे पूरे निकाल करके दिखाने की कोई आवश्यकता थोड़ा ना है। ये व्यक्ति का स्वभाव है, दिखा करके चढ़ाना चाहता है भगवान को कि 2000 का नोट मैंने रख दिया प्रभु आपके चरणों में, अब आप देख लेना, बोलो जय श्री राम। लेकिन भगवान ने हमको बनाया उस पे भगवान का कोई हेतु नहीं है, भगवान हमसे कुछ नहीं चाहते। कि धन दे करके भगवान की अच्छी सेवा करते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनवा दिए, बड़े बड़ी मूर्तियां रखवा दिए, पंडित वहां पर बिठा दिए और खुद मंदिर जाना ही नहीं, भाई हमने तो मंदिर बिठा के मंदिर में पंडित जी को बिठाया हुआ है, सब कुछ करते हैं। सब संसार को तो हम धन देकर फुसला रहे हैं, लेकिन भगवान को भी हम लोगों ने बख्शा नहीं। जब भी कोई जाता है, जब भी कोई जाता है प्रभु श्री राम के चरणों में, मेरे गोविंद के चरणों में, तो कोई ना कोई इच्छा ही लेकर के जाता है, और भगवान भी दुखी ये करके कह देता है कि भैया कभी ना कभी तो निस्वार्थ आओ मेरे पास, तभी तो मैं दूंगा, अब इतने सारे रोज ही दिन में मांगने चले आते तो मैं भी क्या दूं। निस्वार्थ भाव से किया गया पूजन ही कदाचित फलित होता है। तो कबीर बाबा जी के पास एक बड़ी सुंदर बात कही उस कबीर बाबा जी ने, कबीरदास जी के पास एक सुंदर आदमी गया और उसने कहा कि बाबा कि आप जो करते हैं वो मुझे भी करना है। कबीर जी से कहा कि आप जो करते हैं वो मुझे भी करना है। तो कबीर बाबा ने कहा कि जो करते हो वही करते रहो, हमारे चक्कर में मत पड़ो, हमारे चक्कर में आकर के तुम फंस जाओगे, हम साधु हैं, हम जो बताएंगे वो कर नहीं पाओगे। और लोग समझते हैं कि घर छोड़ने के बाद भगवान का भजन करना बड़ा अच्छा है, भजन कर सकते हैं, घर छोड़कर भजन तो नहीं कर सकता व्यक्ति, घर में रहकर के भजन बिगड़ सकता है, घर में रहकर के भजन बिगड़ नहीं सकता। तो तुलाधार वैश्या दुकान में बैठे रहते थे और भगवान का भजन करते थे। तो कबीर बाबा ने कहा कि देखूं कि तू जो करना चाहता है तो मन की हलचल समाप्त कर, एकदम स्तब्ध भाव रख। और आप देखिए कि मैंने आपको एक दिन बताया था कि काग चेष्टा वाला व्यक्ति जीवन में कभी भजन नहीं कर सकता, काग चेष्टा जो कौए की तरह काएं काएं करता रहता है वो कभी अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता। और कोयल मधुर वाणी, कोयल बोले कुकु, काग ये काए काए बोले। काग चेष्टा वाला व्यक्ति कभी भजन नहीं कर सकता, जो कौए की प्रवृत्ति रखता है वो कभी भजन नहीं कर सकता, चाहे जितना यत्न कर ले, एक जन्म तो उसको बदलना ही पड़ेगा,
चाहे कुछ भी हो जाए। और देखें इधर जाए उधर जाए, काग चेष्टा यह केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं है, किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है। काग चेष्टा वाला व्यक्ति रहता कहीं है और सोचता कहीं है, वो बैठा कहीं और होगा और सोच कहीं और ना होगा, और ऐसे कभी भजन हो ही नहीं सकता। तो कबीरदास जी ने उस बच्चे से यूं कहा कि लाला, मन की तरंग तू मार लो बस, मन की तरंग तुम मार लो बस, हो गया भजन तुम्हारा, आदत बुरी सवार लो अपनी, हो गया भजन तुम्हारा। आए हो तुम कहां से और जाओगे तुम कहां, इतना तो दिल विचार लो बस, भजन हो ही गया, आदत अपनी सुधार लो तुम, समझो भजन तो हो ही गया। कोई तुझे बुरा कहे तुम सुन कर क्षमा करो बस, भजन हो ही गया, वाणी अपनी सवार लो बस, भजन हो ही गया। एक बड़ी सुंदर सुंदर बात कही है कबीरदास जी महाराज ने कि मन की तरंग मार लो, कि मन में जो नई नई तरंगे उठती हैं उनको जब मार लोगे तो समझो भजन हो गया, और आदत बुरी को अपनी सुधार लो संवार लो तो भजन हो गया। आए हो तुम कहां से जाओगे तुम कहां, इतना तो दिल विचार लो कि कहां से तुम आए हो और कहां से तुमको जाना है, बस यही विचार अपने मन में लिखो, समझो भजन हो गया। कोई तुम्हें बुरा कहे या तुम्हें कोई अच्छा कहे, तुम सुन करो क्षमा, कि तुम सुन करके क्षमा कर दो, भूल जाओ किसी ने क्या कहा, और इसी में भलाई है। एक बोले दूसरा बोले तो झगड़ा बढ़ता ही है और बात खत्म हो जाती है, चुप होके अपने रास्ता बदल ले तो समझो भजन तुम्हारा हो गया। वाणी के स्वर सुधार लो अपने, समझो भजन तो हो ही गया। नेकी सभी के साथ में बने जाए, कि नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी करो जितने कर सकते हो। मत सिर बदी का भार लो तुम, बस भजन हो ही गया। मत मत वाणियों को नित साधु संग में, निकाल सार सार को बस, भजन हो ही गया। मत मत केवा नी को अपनी, कि साधियों साधुओं के संग में बैठ करके अपनी वाणी को मत लो, वाणी में से अच्छे अच्छे शब्दों को निकाल लो, जिस प्रकार से दूध में से माखन को अलग कर देते हो और माखन में से घी को अलग कर देते हो, उसी प्रकार से अपनी वाणी को मत लो।
निकाल सार सार को बस, उसमें से अच्छी अच्छी बातें निकालो और बुराई बुराई छोड़ दो। सिद्धांत साफ साफ ये सदगुरु कबीर का, जिन रूप हंसदार बस हो ही गया, जिन रूप हंसदार बस हो ही गया। मन की तरंग को मार ले बंदे, मन की तरंग को मार ले बंदे, समझ लो बजे तो हो ही गया, समझ लो बजे तो हो ही गया। सब सिद्धांतों को अपने दिमाग में उतार लो और समझो कि भजन हो गया, फिर कहीं परमात्मा की मूर्त के पास बैठने की आवश्यकता नहीं है। मीठा बोलना, और मीठा बोलने का एक उपाय है, और वो क्या है कि मीठा बोलना कैसे संभव है, और पक्षियों में मीठा कौन है? कोयल रानी। क्यों बोलती है मीठा वो? कले 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 कले। किसी व्यक्ति ने कहा, महाराज बहुत अच्छी कथा है, बड़ा मीठा बोलते हो। मैंने बोला, भैया मैं कथा मीठा नहीं बोलता, मेरी कथा ही मीठी है। बोले जय श्री राम। मैं मीठा नहीं बोलता, मेरी कथा ही मीठी है। यह श्री राम चरित मानस भगवान प्रभु श्री राम की परम पावन गंगा। कथा मीठी है, मुख मीठा नहीं है। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, कृष्ण नाम मिश्री होल घोल पी। कि राम नाम लड्डू है और गोपाल नाम का घी है और कृष्ण नाम की मिश्री घोल घोल पी, तो मीठी कैसे ना हो। और यह कथा ऐसी है। और देखो एक बात सदैव ध्यान में रखिए कि कथा में कभी बुद्धि को प्रविष्ट नहीं करना चाहिए, बुद्धि को बीच में नहीं लाना चाहिए, अपने हृदय को और मन को एकाग्र करके इस कथा का स्मरण करना चाहिए, इस कथा का समन्वय करना चाहिए। और कथा भोजिल भाई, अगर कथा का बोझ लगता है तो उस व्यक्ति को नींद आ जाती है जिसको बोझ लगने लग जाता है। 5 घंटे बैठो, 8 घंटे बैठो, और हम लोग तो कथा में 10-10 घंटे बैठते हैं। आप तो जाकर के सो जाते हो, हम लोग 12-1 बजे तक जाकर के पुस्तकें भी पढ़ते हैं कि सुबह बोलना है, कोई ऐसी बात ना बोली जाए प्रातःकाल, फिर जल्दी उठना है, पंडित जी ने पूजा में भी आना है, पूजा करानी है, फिर फलाहार करके फिर यहाँ पर आकर के फिर वही पोथी जी की जय। बालकांड के प्रारंभ में लिखा है कि उपाय क्या है, मीठा वही बोल सकता है जो भगवान के नाम का भजन करता हो, प्रभु श्री राम का गुणगान करता हो, अपने प्रभु जी का गुणगान करता हो। और बिन भजन किए वाणी में मिठास कभी नहीं आ सकती। जो भी भगवान के नाम का स्मरण करेगा वो मीठा बोलेगा। तो काकभुषुंडी जी महाराज की गाथा है, गरुड़ जी महाराज जब पधारे, हो कथा आरंभ करही सोइच ते ही समय गयउ Oh,
कुशुंडी जी महाराज ने गरुड़ जी महाराज का स्वागत किया, कुशल पूछी और श्रेष्ठ आसन दिया और पूजा की पूजा करके उनके चरण धुलाए, उनको चंदन लगाया, बैठाए और पूछा कि क्या आज्ञा है बाबा जी, मुझसे कहिए। हो करे पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले कागा, मधुर वचन तब बोले कागा। प्रेम पूर्वक पूजा करने के बाद मीठी वाणी में काक भुसुंडी जी महाराज ने कहा और पूछा कि धन्यता की प्रशंसा की है कि कौआ है काक भुसुंडी जी, सब लोग जानते हैं, और कौआ जब भी बोलता है कर्कश बोलता है, मीठा नहीं बोलता, और कोयल जब बोलती है तो मीठी ही बोलती है। कारण कौआ सर्वकाल बोलता रहता है, सदैव वो काएं काएं करता ही रहता है, और कोयल केवल बसंत ऋतु में बोलती है। ये दोनों में विशेषता है कि वाणी की मिठास चाहिए तो समय की प्रतीक्षा करें, उचित समय पे बोलना चाहिए। मुंह खोलकर और शब्द तोलकर बोलना चाहिए कि कितना बोलना है, कैसे बोलना है, किसको बोलना है, ये बड़ा आवश्यक है। उचित समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। और पिछली कथा में एक वर्णन आया कि जैसे महापुरुष हैं आचार्य महाप्रज्ञा जी, तो एक प्रवचन स्तर में उन्होंने एक कथा सुनाई, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और वो वाणी पर है, बहुत मीठी कथा है, बच्चों को सुनाने के पहले अपने खुद सुननी है, बाद में बच्चों को सुनानी है। कि कौवा अपना देश छोड़कर के परदेश भी चला जाए तो भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, उसने वहां पर जाकर के भी काएं काएं करनी है, और जब काएं काएं करेगा तो लोग क्या मारेंगे, पत्थर। वो चाहे यहां रहे, चाहे परदेश रहे या कहीं भी रहे, उसको पत्थर ही पड़ने वाला है। तो कौआ अपना देश छोड़ करके परदेश जा रहा था, कोयल रानी ने पूछा कौआ महाराज जी कहां जा रहे हो, बोला हम स्वदेश छोड़ करके विदेश जा रहे हैं। बोले क्यों जा रहे हो महाराज, बोला यहां जहां बैठता हूं लोग पत्थर मार देते हैं, बैठने नहीं देते, कोई बोलने नहीं देता, तो यहां तो मान नहीं है मेरा, वहां पर जाकर के मेरा मान होगा। तो कोयल रानी ने कहा कि कौआ महाराज अगर आप बुरा माने तो एक बात कहूं। बोले हां कोयल बोलिए, कि आप जब तक काऊं काऊं बंद नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी काएं काएं को बंद नहीं कर देते, जहां जहां जाएंगे वहीं पत्थर पाएंगे। बोली जय श्री राम, तब तक वो आपको पत्थर बरसते रहेंगे। देश छोड़ने से काम नहीं चलता, गांव छोड़ने से काम नहीं चलता, वाणी में सहजता आनी चाहिए, मिठास आनी चाहिए, मधुरता आनी चाहिए, प्रेम रस वाणी में आना चाहिए, और भगवान के नाम में ही शक्ति है,
तो भगवान के नाम का जप हो और भगवत कथा का संग हो जिससे सत्संग करते हैं। और जिसे सत्संग कहते हैं हम मति कीर्ति गति भूति भलाई मति कीर्ति भूति भुलाई जब जेहि जतन जहां जेहि पाई सो जानव सत्संग प्रभा केवट के द्वार भगवान आ गए तो भगवान ऐसे नहीं आ गए, केवट बनना पड़ा उसको। और भगवान को बुलाना है तो केवट की तरह बनना भी पड़ेगा। कितने ऋषि मुनि स्वयं निषाद राज महाराज निषाद जी को वह सुख प्राप्त नहीं हुआ जो केवट जी को एक नाविक को प्राप्त हो गया। ऋषियों मुनियों को और स्वयं निषाद राज को वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ प्रभु श्री राम के पग पखारने का, लेकिन केवट जी को अवसर प्राप्त हुआ। चरण गहे अकुलाई, बोले प्रभु आज मैंने क्या नहीं पा लिया, मेरे नेत्रों का दोष समाप्त हो गया, मैंने आपके दर्शन कर लिए, मेरे मन का दुख समाप्त हो गया, मेरे स्वभाव की दरिद्रता समाप्त हो गई, आज से मैं धनी हो गया प्रभु और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और एक वाणी को हम ही कोमल बना सकते हैं, किसी के रहने से या किसी के कहने से नहीं होगा। अगर डॉक्टर हमारी वाणी का ऑपरेशन भी कर देगा तो हमारी वाणी मीठी होने वाली नहीं है, वाणी यहां से मीठी होगी, हृदय से, मन से, प्रेम से, जो हमारे चित्त में चलता है वो वाणी पर आता है, जो हमारे चित्त में चलता है वो हमारी वाणी पर आता है। तो बहुत अच्छा कहते हैं कवि तुलसीदास जी कि भाषा चित्त की खेती है, जो भाषा है वो चित्त की खेती है, वो चित्त जैसा बोता है भाषा वैसी फल देती है। तो केवट जी ने कहा कि मेरी दृष्टि से दोष समाप्त हो गया, आपके दर्शन हो गए, स्वभाव में दोष स्वतः ही समाप्त हो गया और ठाकुर जी आपके चरणामृत का पान करके मैंने दैहिक दैविक और भौतिक तीनों तापों से मुक्ति प्राप्त कर ली है। बोले जय श्री राम। अरे जो राम दास है उसको जगत का क्या दास होना चाहिए, जो राम का दास है। जिनके हृदय श्री राम बसे तिनको और नाम लियो न लियो, जिनके द्वार श्री गंग बहे तीन कूप कनीर पियो न पियो। इसके बाद देखिए कि जिनके हृदय श्री राम बसे तीन और को नाम लियो न लियो, कि जिसके हृदय में प्रभु श्री राम का वास है उसने किसी और का नाम लिया या ना लिया कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनके द्वारे श्री गंग बहे, जिस द्वारे पर गंगा मैया का प्रवाह हो जाए, जहां जिस द्वार पर गंगा बहती हो, तिन कूप को नीर पियो या ना पियो, उसने कुएं का, बावड़ी का या किसी छोटे से सागर का, छोटे से तालाब का जल पिया या नहीं पिया एक ही बराबर है।
जिन माता पिता की सेवा करे, तीन तीर्थ व्रत कियो न कियो। जिसने माता पिता की सेवा कर ली उसने समझो संसार के समस्त तीर्थों का स्नान कर लिया, सब तीर्थों को घूम लिया। जिन सेवा टहल साधुन की, तीन योग और ध्यान कियो न कियो। और जिसने साधुओं की सेवा कर ली, संतों की सेवा कर ली, ब्राह्मणों की सेवा कर ली, वो चाहे पूजा में बैठा, ध्यान में बैठा, योग में बैठा या ना बैठा, कोई फर्क नहीं पड़ता। श्री तुलसीदास विचारी कही, कपटी अस मित्र कियो न कियो। ओ जिन के हृदय श्री राम बसे, तिन और को नाम लियो। और इसी में सुख है, जिसने प्रभु का सुमिरन कर लिया उसको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। और केवट जी को भगवान ने बहुत कुछ कहा और कुछ नहीं लिया। विदा कीन करुणायतन भक्ति विमल बरुदे, भक्ति विमल परमपिता परमेश्वर से कुछ नहीं लिया। और तब केवट जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, और केवट जी को भगवान ने विमल भक्ति भेंट कर दी। केवट जी को जब दिया तो केवट जी ने कहा कि मैं कुछ लूंगा नहीं, अगर प्रभु मैं आज ले लूंगा तो जब आप अयोध्या वापिस आएंगे तो आप मेरे पास होकर के नहीं जाऊंगा, इसलिए जब आप आओगे तब लूंगा। बोली जय श्री राम। और प्रभु ने, भगवान ने विमल भक्ति भेंट कर दी केवट जी महाराज। इस बड़ी सुंदर महिमा है, केवट जी को भगवान ने, केवट जी का उद्धार किया, केवट जी को परमात्मा ने अपना आश्रय दिया, अपने चरणों में बैठने का अवसर प्रदान किया, चरण पखारने का, पग धोने का अवसर दिया। और वो कोई ब्राह्मण नहीं था, कोई साधु नहीं था, कोई योगी नहीं था, कोई संत नहीं था, क्योंकि प्रभु के मन में कोई जात पात कोई भेदभाव नहीं है। भगवान को देखते आनंद हुआ। परमात्मा ने कहा कि कलयुग के कलमश रूपी हाथी का वध करने के लिए तीर्थराज सिंह के समान है। तीर्थराज में जाने पर सब पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार भगवान श्रद्धा से जय जयकार करते हैं। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए तीर्थराज प्रयाग की जय, बोलिए तीर्थराज प्रयाग की जय। परमात्मा ने मां निषाद गुह लक्ष्मण भैया को तीर्थराज प्रयाग की महिमा सुनाई और भरद्वाजी के आश्रम पर पधारे। और भरद्वाजी के आश्रम, भरद्वाजी महाराज ने भगवान को प्रणाम करके हृदय से लगा लिया और बहुत स्नेह दिया। आश्रम लाए, पूजन किया और कहा, प्रभु हो अब कर कृपा देहु बर एहु, निज पद सर सिज सज सनेहु।
हो निज पद सर सिज सहज सने हो। कहे नाथ कि तीर्थराज प्रयाग में बसना हमारा भाग्य हो गया है, ये हमारी धन्यता है, हम धन्य हो गए। यहाँ ना बसते तो आप यहाँ नहीं आते, और आपके आने से ये स्थान और भी पवित्र हो गया। प्रातः काल त्रिवेणी जी में भगवान ने स्नान किए और भरद्वाज से पूछा कि हम किधर जाएं। प्रभु श्री राम ने भरद्वाज ऋषि से सुबह प्रातः काल त्रिवेणी स्नान करने के बाद भरद्वाज से प्रश्न किया कि हे ऋषिवर हमें बताएं कि हम किधर जाएं। मनुष्य को श्रुति स्मृति अथवा पुराणों के पथ का अनुमान अनुगमन करना चाहिए, मनमुखी मार्ग नहीं पकड़ना चाहिए, और जीवन के कुछ सिद्धांत होने चाहिए, जीवन का कुछ नियम होना चाहिए। और बिना नियम के हवा भी नहीं बहती, हवा भी अपने नियम से चलती है, पशु भी अपने नियम से चलते हैं, और बिना नियम के सूर्य भगवान भी नहीं चलते, वो भी अपने नियम से चलते हैं। नित्य प्रतिदिन, दिवस प्रतिदिवस, मास प्रति मास, वर्ष प्रति वर्ष, और बिना नियम के समुद्र महाराज भी नहीं रहते हैं, वो भी अपने नियम में अपनी मर्यादा में रहते हैं। बिना नियम के चंद्रमा भी नहीं चलते, कभी चंद्रमा आपने दिन में निकलते हुए देखा, दिन में अंधेरा हो गया और चंद्र बाबा निकल आए और रात में सूर्य निकल आया, वो उनकी मर्यादा है, वो उनके नियम है। समय सबका समय निश्चित है, हर काल निश्चित है। ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है, ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है, बंदा न सके जान तेरा क्या विचार है। ईश्वर की महिमा को कोई नहीं जान सकता कि ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है, बंदा न सके जान तेरा क्या विचार है। कोई नहीं जान सकता कि प्रभु कहां से गुजर रहे हैं। और आज की एक बड़ी विशेष सूचना है, कुछ क्षण के लिए कथा को यहीं पर विराम दे करके एक महत्वपूर्ण सूचना कि कल यहाँ पर देवोत्थित बाबा बालकनाथ से वहां के महंत श्री श्री 1008 श्री राजेंद्र गिरी महाराज जी यहाँ पर पधार रहे हैं 12 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में। तो सब भक्त बाबा जी का आशीर्वाद लेने के लिए जरूर आए, और मुझे इस व्यास गद्दी का प्रभु व्यास जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आज मैं प्रातःकाल उनके पास गया था और उनसे प्रार्थना की कि हमारे इस पावन भूमि को पवित्र करें, क्योंकि बाबा बालकनाथ जी में तो हजार बार जाते हैं लेकिन संत महात्माओं के दर्शन एक बार भी नहीं होते। तो कल बड़ा सौभाग्य का दिवस है, सब लोग मिलकर के आए, अपने संबंधी जनों को बंधु बांधवों को सबको बुलाएं और बाबा जी के चरणों से आशीर्वाद प्राप्त करें। और ये देखो बड़े सौभाग्य की बात है, एक एक नहीं परमपिता परमेश्वर साक्षात प्रभु की कृपा है कि श्री श्री 1008 महाराज हमारे बीच में विराजमान होंगे और अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो जो जो भक्त प्रभु सेवा में पुष्पों की माला जो भी अर्पित करना चाहते हैं वो दिल भर करके लाएं और प्रभु के चरणों का आशीर्वाद ग्रहण करें। और देखिए एक संत को एक महात्मा को बुला करने का उद्देश्य यही होता है कि उनका आशीर्वाद की प्राप्ति हो। और
जय माँ वैष्णो देवी सेवा समिति का भी मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस अवसर के लिए ये अवसर मुझे प्रदान किया और मैं आज बाबा जी की शरण में गया। और आप सभी ग्राम निवासियों को भी प्रभु श्री राम की इस परम पावन कथा की एक बार दोबारा से बधाई। और कल जो परम मंगल वेला आ रही है उसके लिए भी मैं आपको आज पहले बधाई दे देता हूँ। और कल की बधाई तो हम प्रभु बाबा जी से ही लेंगे। सब लोग पुष्प लाएं, सुंदर सुंदर पुष्पों की माला लाएं और बाबा जी का स्वागत करें। और जितना भव्य हमारा पंडाल होगा उतनी प्रसन्नता बाबा जी को भी होगी और उतनी प्रसन्नता मेरे प्रभु श्री राम जी को होगी। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भूली युगल जोड़ी सरकार की जय। ब्रह्म आनंद तुझे धन्यवाद करता हूँ मैं बारंबार। ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है। कि सब कुछ नियमबद्ध है, हम भी नियमबद्ध ही हैं। नियम में बंधा रहेगा व्यक्ति तो आनंद आएगा। और सब मार्ग सुगम है, मैं आपको मार्ग क्या बता सकता हूं, मैं क्या कहूं आपको। फिर भी शिष्यों को बुलाया भरद्वाज जी। भरद्वाज जी ने चार वेद भगवान जी से कहा, जाइए मार्गदर्शन कीजिए। परमात्मा मार्ग में लोगों को आनंदित करते हुए, सुख प्रदान करते हुए बाबा वाल्मीकि के आश्रम पधारे। बोलिए वाल्मीकि जी महाराज की जय। देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभुआ। राम दिख मुनि वासु सुहावन, सुंदर गिरी काननु जल पावन। शरणि सरोज बिटप वन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले। सच सुंदर आश्रम निरखि हर से राजीवने, सुनि रघुवीर आगमनो मुनि आगे आयोले। मुनि आगे आयोले। बाबा वाल्मीकि जी के पास राम जी पधारे और यहां भी रात्रि में विश्राम किया। और अब बाबा वाल्मीकि जी से भगवान राम जी ने अपने निवास स्थान का स्थल पूछा। तीन ऋषियों के पास प्रभु श्री राम जी गए। तीन ऋषियों की गाथा है, स्मरण रखिएगा कि तीन ऋषियों से प्रभु मिले। तीन ऋषियों से भगवान ने तीन ही बातें पूछी। ऋषि श्रेष्ठ भरद्वाज से चलने का मार्ग पूछा कि प्रभु मैं किस ओर जाऊं, मुझे जाने की दिशा, मेरा ज्ञान, मुझे मार्गदर्शन कीजिए कि मैं किस ओर जाऊं। और वाल्मीकि जी से निवास पूछा कि कहां रहूं। वाल्मीकि जी से पूछा कि प्रभु मैं कहां रहूं जाकर के। और ऋषि श्रेष्ठ अगस्त्य जी महाराज से रावण को मारने का मंत्र पूछा कि मुझे बताइए कि मैं रावण को किस प्रकार से मार सकूंगा। वस्तुतः जीने का, रहने का, जाने का ढंग संत महापुरुषों से जानना चाहिए। जो इस विचार,
जो इसका विचार करेगा वही तो बताएगा। संसारी अपने मार्ग का विचार करता है, लेकिन महापुरुष पुरुषार्थ के मार्ग का विचार करते हैं। इसलिए पूछा कि बाबा वाल्मीकि जी, भगवान राम जी को निवास के 14 स्थान बताए हुए हैं, 14 स्थानों में रहने के लिए उनको कहा। यहां आपको संक्षेप में बता करके इस कथा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बड़ी विस्तृत कथा है। बाबा वाल्मीकि ने कहा कि राम जी आप कहां नहीं हैं, पहले आप मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा एक स्थान है वहां पर आप नहीं हैं और आप मुझसे रहने के लिए स्थान पूछ रहे हैं। अगर कोई एक ऐसा स्थान खाली हो जहां आप रहते नहीं, तब तो मैं आपको कोई स्थान बताऊं, परंतु मेरे गोविंद आप तो सर्वत्र हैं, आप तो हर स्थान पर हैं। पूछो मोहि की रहो कहां, मैं पूछत सकुचाओ, जहां न हो तहां तेहु कहीं, तुम ही दिखा उठा। कि प्रभु ऐसा कोई स्थान मुझे बता दीजिए जहां पर आप नहीं रहते। राम जी ने सिर को झुका लिया कि आप तो सब समझते हैं, लेकिन हम लीला स्वरूप में आए हैं, अगर सबको हम बताते फिरेंगे कि हम भगवान हैं तो बात थोड़ा ना चलेगी। हम लीला करने के लिए आए हैं, इसलिए लीला के स्वरूप में हमें लीला करनी ही पड़ेगी और मुझे यहां पर बसना ही पड़ेगा।